जी हेलो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके ही अपने हरियाणा मौसम समाचार के इस ताज़ा बुलेटिन में। जी हाँ, यहाँ हम आपके लेकर आ गए हैं हरियाणा मौसम समाचार। अगर आप हरियाणा के किसी भी जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो पर एक लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आप हरियाणा जिले की मौसम की ताज़ा खबर पाना चाहते हैं तो प्लीज TR न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले। हम आपको बता दें हरियाणा में मौसम, सोनीपत में बारिश लाई आफत, सड़कें हुई जलमग्न। हरियाणा के कई जिलों में आज बारिश से मौसम हो गया है, लेकिन सोनीपत में बारिश तो आई लेकिन चारों तरफ आफत लेकर आई। बरसात के बाद हाल यह है कि यहां अधिकारी तो दफ्तर में सोते रहे और जनता सड़कों पर रोती नजर आई। अधिकारियों द्वारा दावे किए गए थे कि उन सभी की पोल भी खुल गई। बारिश के बाद शहर में चारों तरफ पानी ही पानी है। वहीं अधिकारियों ने जो दावे किए थे पानी निकासी की व्यवस्था कर दी गई, वह पानी में ही तैरते नजर आए। वहीं हम बता दें सोनीपत में नालों का न निर्माण हुआ, न शिविरों की सफाई हुई और न ही पहले कोई तैयारी की गई। दावे इतने बड़े किए गए कि सोनीपत के अधिकारियों से बड़े शायद पूरी हरियाणा में कहीं भी कोई अधिकारी नहीं है। सोनीपत शहर में गीता भवन चौक, बस स्टैंड, शनि मंदिर और अन्य सभी रोड सड़कों के हालात ऐसे थे, बरसात के बाद सड़कें ही गायब हो गईं और बरसात में वाहन चालकों को वाहन खराब हो गए व और पानी में बच्चे भी मस्ती करते नजर आए। वहीं सोनीपत वासियों का आरोप है कि यह अधिकारी दावे तो हर वर्ष करते हैं लेकिन जब भी बरसात आती है हालात इसी तरह खराब हो जाते हैं, जहां उनकी दुकानें प्रभावित होती हैं वहीं आने वाले लोगों को भी बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज भी बरसात आई तो आप देख सकते हैं कि गीता भवन चौक पर बस खराब हो गई और बस से सवारी उतरकर दूसरी बस में पानी के अंदर से ही जा रहे हैं। अगर अधिकारी समय पर रहते ध्यान देते तो यह हालत नहीं होते। बता दें मिलते हैं आप सभी को अगले वीडियो में, तब तक TR न्यूज के साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले। जी हां, जय हिंद।